मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अशोक सिंह, योर मैथमेटिक्स टीचर। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे पुनः। ओके, सो एवरीवन बी रेडी फॉर दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know about some type of numbers, like first is natural numbers। इसमें कुछ हम लोग numbers के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे integers को पढ़ने से पहले। natural numbers means counting numbers, 1, 2, 3, 4 ... are called natural numbers। ओके, ऊपर ये जो डेफिनेशन हम लोग लिखे हैं, इस डेफिनेशन से हम लोग को ये भी क्लियर हो रहा होगा कि वन जो होता है, वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ओके, एंड देयर इज नो एनी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। ओके, सबसे छोटा कौन होता है, वन, और बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसके बाद से हम लोग आते हैं होल नंबर्स मीन्स पूर्ण संख्याएं। ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर्स को अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए उनमें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... ओके, तो ऊपर वाले में हम लोगों ने देखा था कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 था, लेकिन होल नंबर्स में स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0, याद रखिएगा। इसमें भी कोई लार्जेस्ट होल नंबर नहीं होता है। ओके, नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीजर्स। यहाँ से हम लोग के इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। इंटीजर्स किसे कहते हैं, तो देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, द कंपोजिशन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। देखिए जो भी होल नंबर्स होते हैं या फिर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स के ही नेगेटिव, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ओके एंड सो ऑन। और इधर भी हम क्या लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, यानी कि इधर और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, इधर भी बहुत सारे नंबर्स हैं, यानी कि सभी होल नंबर्स, ओके, विथ देयर नेगेटिव, यानी कि जितने भी होल नंबर हैं उनके नेगेटिव वैल्यू के साथ, उन सबको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंटीजर्स में हम लोग आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू,
देखिए इसमें जो नेगेटिव साइन जो होता है जिन नंबर के पहले, इनको हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, याद रखिएगा। ओके, और जो पॉजिटिव होता है यानी कि जिसके पहले कोई साइन नहीं होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद से जीरो जो होता है, इसमें जीरो न ही पॉजिटिव होता है और न ही क्या होता है? नेगेटिव होता है, याद रखिएगा इसको। अब हम लोग आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू पे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का डेफिनेशन क्या होता है? द न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, इट मीन्स कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी इंटीजर दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 दिया है, एब्सोल्यूट ऑफ नंबर 5 इज इक्वल टू 5 को हम लोग किस में ले लेंगे? मॉड में ले लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू को एब्सोल्यूट यानी कि मॉड के अंदर लिखा जाता है। कोई भी नंबर हो मॉड के अंदर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 को हम लोगों ने मॉड में लिखा, तो 5 चूंकि पॉजिटिव था, और ये मॉड में भी लिखने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर मॉड में जब हम लिख दिए तो क्या हो जाता है? वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने इसका नेगेटिव ले लिया -5, इसका एब्सोल्यूट लिखना है, तो एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा? -5 किस में हो गया? मॉड में हो गया। जब मॉड से बाहर आता है तो किस साइन के साथ आएगा? पॉजिटिव। उसके बाद मैंने यहाँ पे -4 ले लिया, इसका भी जब एब्सोल्यूट आप निकालोगे तो -4 को हम मॉड में ले लिए, तो मॉड से जब ये बाहर आएगा तो क्या होगा? +4 होगा। ओके, इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव आर जीरो। देखिए जो भी किसी भी नंबर का जो या फिर किसी भी इंटीजर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो सर्वदा हमेशा क्या होता है? या तो धनात्मक होता है या फिर जीरो होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जीरो न ही पॉजिटिव होता है न ही निगेटिव होता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर का या फिर किसी भी नंबर का क्या होता है? या तो पॉजिटिव होता है या फिर जीरो होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स के योग का, यानी कि इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांकों के योग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इसकी विशेषताएं हैं जिसको हम लोग जानेंगे। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सपोज करिए कि ए और बी क्या है? दो क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। ओके, ए बी ये जेड के क्या हैं? ये एलिमेंट है। इट मीन्स ए और बी कोई दो क्या हैं? ये इंटीजर हैं। ये इंटीजर हैं। यह साइन क्या शो करता है कि ये जो दोनों नंबर हैं यह इससे रिलेटेड है, मतलब इसी के पार्ट हैं। ओके, तो ए और बी अगर इंटीजर हैं, दिस इंप्लाइज ए प्लस बी मस्ट बी इंटीजर। अगर ए और बी कोई दो इंटीजर हैं तो इनका योग भी क्या होगा? इंटीजर होगा। ओके, तो ये क्या कहलाता है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 मैंने ले लिया और 5 ले लिया, ये दोनों क्या हैं? इंटीजर होते हैं, आप लोग जानते हैं। उसके बाद से दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, 4 प्लस क्या होगा? 5। ये भी क्या होगा? 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। 9 क्या होता है? इंटीजर होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हो? द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ओके, यानी कि दो पूर्णांकों का योग भी क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। सो वी कैन से दैट
integers are closed under addition. Okay, therefore क्या लिख सकते हैं आप, integers are closed under addition. Okay, यानी कि पूर्णांकों का योग क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है. अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पे. सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है. इफ ए एंड बी, अगर ए और बी क्या है, दो इंटीजर हैं. सपोज कर लीजिए ए और बी क्या है, दो इंटीजर हैं. देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, बी प्लस ए के इक्वल होगा. ओके, तो अगर ये होल्ड करता है तब हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, जो भी एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है. तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखें. एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी, ए के प्लेस पे मैंने ले लिया -8. ओके, और बी के प्लेस पे ले लिया मैंने 4. दोनों क्या है, इंटीजर हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन -8 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस -8. ओके, अब आइए 8 -8 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, -4. दिस इक्वल टू 4 एंड प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -8. दिस इम्प्लाइज -4 इज इक्वल टू -4. इस तरह से दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया. सो वी कैन से दिस द सम ऑफ टू इंटीजर्स रिमेन्स द सेम वॉट एवर बी द ऑर्डर ऑफ द इंटीजर्स. देखिए दो पूर्णांकों का जो योग होता है उनके ऑर्डर को अगर चेंज करके भी हम उनको प्लस करें, सम फाइंड करें, तो क्या होगा, सेम आएगा. तो इस तरह से हम फाइनली कर सकते हैं, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. ओके, देयरफॉर एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर एडिशन. ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है. इसमें हम लोग सपोज कर लें ए बी सी. ओके, लेट ए बी सी आर थ्री इंटीजर्स. हमने ए बी सी तीन क्या ले लिया, कोई इंटीजर ले लिया. दिस इंप्लाइज ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी. ओके, तो इस अगर रूल को होल्ड करेगा, ओके, इंटीजर्स, तो हम लोग कहेंगे कि क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है. तो आइए एक एग्जांपल हम लोग ले लें. एग्जांपल में जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया 4, 5, 6 आर थ्री इंटीजर्स. ओके, दिस इंप्लाइज 4 प्लस 5, ओके, इन ब्रैकेट एंड प्लस 6, दिस इक्वल टू 4 प्लस इन ब्रैकेट 5 प्लस 6, दिस इक्वल टू 4 प्लस 5 9. ओके, एंड प्लस 6, दिस इंप्लाइज 4 प्लस 5 प्लस 6 11. दिस इंप्लाइज 9 प्लस 6 15. दिस इक्वल टू 4 प्लस 11 ऑल्सो 15. 15 इक्वल टू 15. सो वी कैन से दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स. इस तरह से हम कह सकते हैं कि एडिशन क्या करता है, एसोसिएटिव इंटीजर्स का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है. ओके,
अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे, एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, सपोज लेट ए इज एनी इंटीजर, ए कोई क्या है, इंटीजर है, देन देन ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 कोई क्या है, आपका इंटीजर है, ए के प्लेस पे इसमें 0 प्लस करोगे तो क्या होगा, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि 0 प्लस करने पे इसकी वैल्यू में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आया। सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट 0 इज, 0 इज कॉल्ड द एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ओके, अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, आइए समझते हैं इसको। सपोज दैट लेट लेट ए इज एनी इंटीजर, मान लेते हैं ए कोई इंटीजर है। ओके, देन देयर एग्जिस्ट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर इंटीजर माइनस ए सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। ओके, सो वी कैन से दैट माइनस ए इज कॉल्ड द एडिटिव एडिटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ ए। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने माना है ए कोई इंटीजर है, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर माइनस ए। अगर ए मान लीजिए मैंने कोई इंटीजर लिया तो इसका अपोजिट साइन मैंने माइनस ए ले लिया, ठीक है। अब दोनों को जब हम प्लस करेंगे, ओके, ऑर्डर चेंज करके भी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ए जो माइनस ए है, यह ए का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ए कोई इंटीजर है 5, ओके, और प्लस इसका मैंने अपोजिट साइन के साथ इसी को लिया माइनस 5। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 5 दिस इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट माइनस 5 इज एडिटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर के सबट्रैक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, जैसे हम लोग एडिशन वाले में पढ़े थे वैसे इसमें भी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो सपोज दैट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, मान लीजिए ए और बी क्या हैं, दो इंटीजर्स हैं। ओके, देन 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 ए माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर, ए माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11 मान लीजिए ए के प्लेस पे है और मैंने 5 ले लिया बी के प्लेस पे, दोनों इंटीजर हैं, तो इनका जब सबट्रैक्शन हम लोग करेंगे 11 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 6, ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन, यानी कि जो भी क्लोजर प्रॉपर्टी होता है सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का, वो इंटीजर्स का जो सबट्रैक्शन होता है
ओके, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, मान लीजिए ए और बी दो इंटीजर्स हैं, ओके, देन ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ए और बी दो इंटीजर अगर हैं तो ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन को लेके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे थ्री क्या है, ए के प्लेस पे है, ए इज इक्वल टू थ्री एंड बी इज इक्वल टू फाइव, सपोज दैट, ओके, दिस इम्प्लाइज थ्री माइनस फाइव डज नॉट इक्वल टू फाइव माइनस थ्री। थ्री माइनस फाइव क्या होगा आपका, माइनस टू होगा। डज नॉट इक्वल टू फाइव माइनस थ्री क्या होगा, प्लस टू होगा। ये दोनों इक्वल नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका सबट्रैक्शन होता है इंटीजर्स का, वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। आइए हम लोग आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें हमने थ्री इंटीजर्स को लिया ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स। ए बी और सी क्या हैं, तीन क्या हैं, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। देन ए माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेंगे। ओके, सबट्रैक्शन जो होता है इंटीजर्स का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने फोर फाइव माइनस सिक्स, ओके, ये थ्री इंटीजर्स को हमने लिया, तो इसमें रख के हम लोग देखते हैं फोर माइनस फाइव, ओके, एंड माइनस सिक्स डज नॉट इक्वल टू फोर माइनस फाइव माइनस माइनस सिक्स, ओके, दिस इम्प्लाइज फोर माइनस फाइव माइनस वन, माइनस क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाले में से प्लस वाला माइनस होगा, ओके, माइनस एंड माइनस प्लस सिक्स डज नॉट इक्वल टू फोर माइनस, यहाँ पे देखिए इन ब्रैकेट फाइव, और ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, सिक्स। दिस इम्प्लाइज माइनस वन प्लस सिक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव, यानी सिक्स में से वन जाएगा कितना बचेगा, प्लस फाइव डज नॉट इक्वल टू फोर माइनस फाइव प्लस सिक्स एलेवन, ओके, दिस इम्प्लाइज प्लस फाइव डज नॉट इक्वल टू एलेवन माइनस फोर, ओके, आर फोर माइनस एलेवन इज इक्वल टू माइनस सेवन, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है एलएचएस में हमारा प्लस फाइव आया और आरएचएस में माइनस सेवन आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।